नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, शुक्र और मंगल होंगे साथ, बारह राशियों के लिए होगा खास। क्या होगा खास? 28 जनवरी से शुक्र उच्च का हो रहा है और यह 31 मई तक रहेगा। 5 मार्च से 15 अप्रैल तक वक्री रहेगा। इस बीच 21 मार्च से 30 मार्च तक अस्त रहेगा। शुक्र के साथ मंगल की युति 28 जनवरी से 2 मार्च तक रहेगी। आइए जाने बारह राशियों के लिए क्या लेकर आएगा यह संयोग। मेष राशि वालों के लिए शुक्र सप्तमेश होकर द्वितीयेश भी होगा। इस समय विवाह कार्य बनेंगे, दैनिक व्यवसाय में अनुकूलता रहेगी, धन की बचत के योग भी हैं, बाड़ी में मधुरता रहेगी और यह लाभदायक हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए सब प्रयत्नों से आय के साधनों में वृद्धि होगी, वहीं सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ेगा। कर्ज की स्थिति में कमी महसूस करेंगे, शत्रु पक्ष से भी लाभ संभव है। कला के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, यात्रा के योग बन सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए संतान लाभ के साथ मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होगी, प्रेम के मामलों में अनुकूल स्थिति महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए सुखद वातावरण रहेगा, बेरोजगार रोजगार पाने में सफल होंगे, यात्रा होगी। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक मामलों में समय सुखद होगा, शुभ मांगलिक कार्य होंगे, वाहन आदि सुखों में वृद्धि होगी, संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी, मात्र पक्ष से लाभ पाएंगे, आर्थिक प्रयासों में सफल होंगे, शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है। सिंह राशि वालों को संचार माध्यम से शुभ समाचार मिलेगा, साझेदारी में लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय में सुधारजनक स्थिति पाएंगे, नौकरी पेशा व्यक्ति सुखद स्थिति पाएंगे, पिता से लाभ, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों को वाक चातुर्य द्वारा आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को संचार माध्यम से शुभ समाचार मिलेगा, साझेदारी में लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय में सुधारजनक स्थिति पाएंगे, नौकरी पेशा व्यक्ति सुखद स्थिति पाएंगे, पिता से लाभ, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों को वाक चातुर्य द्वारा आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, परिजनों का सहयोग भी मिलेगा, भाग्योन्नति के योग प्रबल हैं, घर या परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, सोचे कार्य भी समय पर पूरे होंगे। तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूल होने के साथ साथ कार्य में प्रगति आएगी, सौंदर्य प्रसाधनों में वृद्धि होगी, नवीन कार्य योजनाओं में सफल होंगे, कला से जुड़े व्यक्ति भी अनुकूल स्थिति पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा के योग प्रबल रहेंगे, बाहरी संबंधों में सुधार होकर लाभदायक स्थिति के योग हैं, स्त्री पक्ष से लाभ होगा, दैनिक व्यवसाय में प्रगति होगी, अविवाहितों के लिए अनुकूल समय रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के साथ खर्च भी होगा, कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलेगी, छोटे भाइयों का सहयोग लाभजनक रहेगा, शत्रु पक्ष प्रवाहहीन होंगे, नाना मामा पक्ष का सहयोग मिलने से राहत मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में सफल होंगे, शासकीय कार्य बनेंगे, व्यापार व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहकर लाभदायक रहेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सुखद वातावरण के साथ संपत्ति के विवाद सुलझेंगे, वाहन आदि सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, घर परिवार में शुभ कार्य होंगे, भाग्योन्नति में वृद्धि होकर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, धर्म कर्म में खर्च होगा। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक परेशानियों का अनुभव होगा, परिश्रम द्वारा सफल होंगे, संचार माध्यम से सुखद समाचार मिलेगा, साझेदारी के मामलों में संभल कर चलना होगा, स्वास्थ्य से मिली जुली स्थिति रहेगी, विशेष वक्री व अस्त शुक्र के समय धन संबंधी फैसले सावधानी पूर्वक लें, शुभता के लिए स्नान के जल में एक चम्मच दही डालकर नहाएं। धन्यवाद।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।